नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टडी में, मैं हूँ आपके साथ पूनम। पिथौरागढ़ में लिपु लेक आदि कैलाश सड़क के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। आपको बता दें, आदि कैलाश मार्ग पर मालपा से कुछ दूरी भारी भूस्खलन होने से तवा घाट लिपु लेक मोटर मार्ग वाहनों के लिए बंद हो गया। दरअसल बुधवार दोपहर मालपा से कुछ आगे एकाएक पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क बंद हो गई। सड़क से गुजर रहे धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि अचानक भूस्खलन से सड़क बंद हो गई। साथ ही ये भी बताया कि सड़क के दोनों ओर 10 से अधिक वाहन फंस गए हैं। बीआरओ के 65 आरसीसी के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार शाम तक सड़क खुलने की उम्मीद जताई है। सड़क बंद होने से आवाजाही करने वाले ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली और मौसम भी सुहावना हो गया। जिले में मलबा और बोल्डर गिरने से एक सीमा समेत 19 सड़कें बंद हैं। लोगों को पैदल आवागमन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही प्रधान राजकुमार ने बताया कि रोतेसगाड़ में बरसात के सीजन में सड़क बंद हो जाती है और जमतड़ी प्रधान हरीश सामंत का कहना है कि पुल का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन कार्य धीमी गति से चल रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुल का कार्य तेजी से किए जाने की मांग उठाई है।